सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माई चैनल सीरा हरमीक। और अभी 30 तारीख हो गया, 30 मार्च, और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। अभी भी जस्ट उठे हैं हम, और वो उठे भी कैसे हैं, यहाँ पर देखो बारिश वारिश आ रही है, बिजली बिजली कड़क रही है मस्त, इसकी आवाज़ सुन के उठे हैं। और ये दिखाता हूँ आपको, व्यू दिखाता हूँ सुबह सुबह का अपनी बालकनी से। ये देखिए, ये मस्त एकदम व्यू हो रखा है यहाँ का मौसम एकदम, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, शायद आपको आवाज़ आ रही हो। और ये देखिए पूरे यहाँ पर बादल लगे पड़े हैं, ये देखिए पूरे बादल ही बादल हैं, और मौसम एकदम बढ़िया हो गया है। और ये हमारा रात को हम जहाँ पर बैठे हुए थे, हमने यहीं पे डिनर किया था, बॉनफायर कर दी थी। आपने लास्ट वाली वीडियो में मेरे देखा ही होगा, जो शॉर्ट्स है वो आपने देखे होंगे। ये देखो बॉनफायर कर रखी थी यहाँ पर, बढ़िया है, अच्छा रिजॉर्ट बना रखा है ये, द वंडर वैली। और आप व्यू देखिए, व्यू चेकआउट कीजिए, एक नंबर है। और आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा रहेगा कि आज हम अभी थोड़ा उठे ही हैं, अभी उठ के देखते हैं अगर बारिश वारिश अगर रुक गई तो थोड़ा जाएंगे बाहर वॉक वॉक करेंगे, और नहा धो के फिर रेडी हो जाएंगे ब्रेकफास्ट करके। फिर यहाँ पर एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ जाएंगे, और उसी के साथ में चौली की जाली है जगह, वहाँ पर जाएंगे। देखो बारिश तेज़ हो गई है यहाँ पर, देखो बारिश यहाँ पर तेज़ हो गई है, ये बारिश होती है, मतलब मौसम एकदम बढ़िया होने वाला है। ये हाँ, तो फिर हम चौली की जाली में जाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे फर्दर, अगर मौसम वौसम सही रहा तो यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, वहाँ पर भी होके आएंगे। ये देखिए पूरे यहाँ पर ना क्लाउड्स हो रखे हैं, और ये देखिए पूरी बारिश गिर रही है यहाँ से, ये बारिश का वो है व्यू पूरा दिखा रहे हैं ना, ये बारिश है। और व्यू देखिए, चेकआउट कीजिए, एक नंबर व्यू आ रखा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है यहाँ पर। अभी अभी आपने देखा होगा मेरा कि हम यहाँ योगा कर रहे हैं, रवि भाई हैं हमारे, ये थोड़ा योगा के प्रो हैं, इनको अच्छा काफ़ी अच्छी नॉलेज है मतलब इसके लिए, रवि भाई को, तो ये हमें करवा रहे हैं योगा। अभी सर हम योगा में कौन सा आसन करवा रहे हैं अभी? अभी हम कर रहे हैं भस्त्र का प्राणायाम। अच्छा जी, भस्त्र का प्राणायाम है ये। हाँ, और इसके बड़े अच्छे यूसेज हैं, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा एक योग है ये, जिसके अंतर्गत आपके फेफड़े ऑक्सीजन लेने से बहुत मजबूत हो जाते हैं, और आप ऐसी शुद्ध हवा ले रहे हो तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये है कि बहुत ही बेनिफिट बेनिफिशरी है, और स्पेशली जब आपका ऐसा व्यू हो, ये देखो आप, ये देख रहे हो एक नंबर व्यू है, और वो देखो वहाँ पर, फिर मैं आपको दिखाया था पहले भी, ये देखो बारिश हो रही है, बादल वो बारिश गिर रहे हैं वहाँ पर। ये पौधा है, ये मैं एक बार 2 साल पहले भी आया था, और तब भी मैं यहाँ से ये वाला पौधा लेके गया था, ये मेरे घर पे भी लगा हुआ है। इसका नाम मुझे पता नहीं है, किसको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कौन सा पौधा है ये। और अभी हम थोड़ा सा तैयार हो गए हैं, और हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। टाइम अभी हो गया है हमारा 6:40 हो गया है, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने बाहर, क्योंकि बढ़िया है, बारिश वारिश थोड़ी बंद हो गई है, और ये दरवाजे अभी तक लॉक पड़े हैं भैया, जाएंगे कैसे? अगर दरवाज़ा लॉक है तो जाएंगे कैसे, देखते हैं यहाँ पर कुछ जुगाड़ तो बाहर निकलने का। अरे ऊपर तो लॉक है अभी दरवाजे, ये तो लॉक कर रखा है ना दरवाजा, तो नीचे से है कोई? अच्छा देखो नीचे जाके हो, बाहर बाहर तो किधर है कोई?
राइट में जाके नहीं रास्ता नीचे ना, चलो वहां से चल सकते ना ऊपर, चलो आओ देखो एक बार नीचे है कि नहीं रास्ता। भाई हम तो बंद हो गए, अब बंद हो गए भाई होटल में, होटल में बंद हो गए हम। अब देखते हैं, देखता हूँ कोई बंदा अंदा होता उसको बोलना पड़ेगा कि भाई खोल। इधर नीचे जाने का ना सीढ़ियां तो ऊपर। अच्छा हमारा बाहर है, मैं जरूर क्या एक्सप्लोर किया तुमने भाई। अरे भाई ये हमारे कपिल भाई हैं जी एक्सप्लोरर, इन्होंने ढूंढ लिया रास्ता और मुझे लग रहा है कि ये भी इनकी प्रॉपर्टी और ये बन रही है अभी। देखिए पहाड़ों में देखो जी कैसा काम होता है, हो सकता है ये आने वाले टाइम में हम इसी रूम में रुके हुए हूँ। ये देखो ये हमारा वॉशरूम है बढ़िया, और भाई ये रूम बना रखा है। अरे वाह ये देखो बर्ड्स के लिए ना वो भी बना रखे हैं, ये देख बर्ड्स के लिए ना, ये बर्ड्स के लिए इन्होंने देखो वो बना रखे हैं घर। वाह ये देखो ये रूम बन रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से बालकनी रहेगी और बढ़िया एक नंबर है व्यू। वैसे हमारा जो रूम है वो ऊपर है भाई, अभी हम ऐसे सुबह सुबह घूमने निकले थे और अब ना एकदम से बारिश ही शुरू हो गई। बारिश क्या है, बर्फ़ पड़ रही है। ये देखो अभी दिखाता हूँ कुछ आपको, गिरा होगा तो ये देखो बर्फ़ पड़ रही है। ये हटना सर एक बार दिखाओ जरा इनको, ये देखो ये बर्फ़ है, ये देखो ये बर्फ़ है, दिखाना मेरे ऊपर गिरी है एक, ये देखो स्नोफॉल हो रही है भाई, बर्फ़ पड़ रही है उत्तरी। ये देखिए एक नंबर स्नोफॉल, स्नोफॉल मिल गया भाई स्नोफॉल, स्नोफॉल मिल गया बढ़िया एक नंबर। ये देखो भाई ठंडा ठंडा अंदर चला गया। और ये वही बादल है जो सुबह हम देख रहे थे अपने रूम से सामने वाले पहाड़ पे, अभी घूम के इधर आ गए। ये पीछे देखो मेरे पूरे बादल ही बादल हैं, ये भी ज्यादा नहीं होंगे मेरा 2-5 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से। अभी टाइम हो गया हमारा 9 बज गया ऑलमोस्ट, और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट खा के अब हम फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या आइटम है हमारे पास। वाह बहुत बढ़िया शानदार, ये क्या भाई ये वेज, ये है ना वेज सैंडविच है, वेज सैंडविच है हमारे पास, पराठे आ गए, पोहा आ गया, बढ़िया अचार भी आ रहा है मेरा, ऑमलेट और सब आ रहा है, ऑमलेट ब्रेड और दूध चाय भी अभी आ रही है। बाकी ये फूड के साथ ये नज़ारा अगर ऐसा मिल जाए तो भाई क्या ही चाहिए। देखो अभी भी क्लाउडी हो रखा है सुबह तो बहुत ज़्यादा था, सुबह तो पूरा ओले पड़ रहे थे यहाँ पर, लेकिन अब मौसम सही हो गया है। अभी हम अपने होटल से ब्रेकफास्ट करके निकले थे और मुक्तेश्वर धाम की तरफ जा रहे हैं, और अभी जो मौसम हो रहा है ना इतनी ठंडी हवा चल रही है मेरे हाथ एकदम सुन्न हो गए हैं। और आपको दिखाता हूँ एक बहुत बढ़िया व्यू, वो देखो मेरे पीछे एक मिनट, ये देखो ये दिख रही है आपको, ये धूप है बिल्कुल फुल इस वाले पहाड़ पे। अब इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये व्यू देखो, एकदम बादल हो रखे हैं और बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक बादल हो रखे हैं, और बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, हाथ एकदम सुन हो रहा है, कप कप ही छूट रही है। यहाँ पर व्यू बढ़िया था इसलिए हमने गाड़ी रोक ली, वो देखो भाई लोग वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, इतनी बढ़िया फोटो शूट हो रहा है भाइयों का, ये भाई फोटो शूट चल रहा है भाई का, वो बहुत बढ़िया भाई रवि भाई बहुत बढ़िया। देखो फुल डायरेक्शन चल रही है भाई साहब की, और ये देखो फुल भाई फुल यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है। कान ठंडे हो गए है अभी यार, एक हाथ पैर ठंडे हो गए भाई, तुम्हारे नहीं हो रहे भाई, भाई तुम फोटो खींचो है, अरे भाई यहाँ तो ठंडा हो रहा है ना, बीप ठंडा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाई मैं तो अंदर आ गया, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी हम हाइट पे भी इतने हाइट पे हैं, देखो दिख रहा है इसमें, हाँ 7720 हाइट पे हैं, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा यहाँ पर बिगड़ गया है ना, बिगड़ गया है या बढ़िया हो गया है, क्योंकि यहाँ देखो इतनी ज़्यादा बादल आ गए हैं और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये देखो मैं आपको देखो, ये बादल आ गए हैं और ये देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है, ये देखो बहुत ज़्यादा ना हवा चल रही है। और ये भाई हमारे रवि भाई, बारिश आएगी भाई, आएगी बिल्कुल आएगी, जोरदार मौसम होके जा रही है, ओलों की बुछार, और सामने देखो कितने ओले पड़े हुए हैं सड़क पे, ये सारे ओले हैं, और देखो ये सारी बोनट पे ओले ओले पड़े हुए हैं, और ये मंदिर भी पहुंच गए हैं और फुल ओले ओले पड़ रहे हैं भाई, जब आगे औसम मजा आ रहा है, जोरदार मौसम हो गया है, बहुत शानदार। ये हम मुक्तेश्वर जो धाम है वहाँ पहुँच गए हैं मंदिर में, और ये देखो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, और अभी इसमें ना वो पोएम्स गा रहे हैं कविता, अभी हम मुक्तेश्वर धाम पहुंच चुके हैं, शिव जी का जो मंदिर है वो ये वाला मंदिर है, ओके, और यहाँ से एक बार व्यू चेक कर रहा हूँ, आपको करवाता हूँ मैं व्यू चेक, व्यू देखिए आप, ये व्यू है यहाँ से, ये हम आ गए हैं KVMP जहाँ पर व्यू पॉइंट होता है, जहाँ पूरा हिमालय रेंज दिखती है, लेकिन आज ना मौसम बहुत ख़राब है तो कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ दिख नहीं रहा, कहीं दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ ना वरना पूरी पहाड़ दिखते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा ड्यू टू बैड वेदर, ये देखिए, लेकिन ये व्यू जो है ना यहाँ से बहुत अल्टीमेट व्यू है, और ये गेस्ट हाउस है यहाँ का गवर्नमेंट का, ये ऊपर बने हुए हैं ये वाले गेस्ट हाउस हैं, और इसी का जो रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट ऊपर है वहाँ पर, अभी जाएंगे हम रेस्टोरेंट में लंच करेंगे वहीं पे, अभी तो इतना टाइम हुआ नहीं, तो 11 बजे अभी, तो अभी तो नहीं खाएंगे वहाँ, आके खाते हैं वहाँ से चौली की जाली जाएंगे, फिर वापस जब आएंगे ना फिर वहाँ पर खाएंगे। ये देखो व्यू 360 डिग्री का यहाँ का एक नंबर व्यू है, लेकिन आज थोड़ा मौसम साफ नहीं है इसलिए दिख नहीं रहे बादल से, बना रखा है तो ये एक है यहाँ पर लगी हुई है नंबर प्लेट, ये हिमालयन दर्शन के लिए है, और ये पूरा बना हुआ है, जैसे कि पहला क्या है भाई रवि जरा पढ़ो उसको, पहला हमारा है पंचाचोली जो 22,650 फीट पे है, अगर वो होती अगर दिख रहा होता तो सामने दिख जाती है, दूसरा है नंदा कोट, देखो दूसरा आ गया नंदा कोट ये भी 22,510 फुट पे है, वो उसके बाद है नंदा देवी उसके बाद फिर नंदा देवी, अच्छा दो एक पूर्व है एक नॉर्मल नंदा देवी है, जो नंदा देवी है वो 25,645 है जो नंदा देवी है, उसके बाद त्रिशूल भी है, त्रिशूल ईस्ट है और एक त्रिशूल है पूर्व है, ये है 23,000 फीट पे, ठीक है ये पूरा सा बना रखा है, उसका एक त्रिशूल है ये, चौली की जाली से हम कर जब घूम के आए हैं तो हो सकता थोड़ा वो खुल जाए, हवा चल जाए तो हो सकता कुछ हो जाए, दिखना तो लग गया है, देखो वो देखो दिख रहा है हल्का सा कुछ दिख रहा है, वो हल्का हल्का ये पहले नहीं दिख रहा था और वो भी दिख रहा है हल्का सा वाइट सा पीछे को, लेकिन ये पहले भी नहीं दिख रहे थे, मुझे लग रहा अगर थोड़ा सही रहा मौसम थोड़ा छट गया तो हो सकता है दिख जाए, क्योंकि मैंने ये देखी हुई है बहुत अल्टीमेट लगती है, शायद एक वहाँ पर भी दिख रहा है वो वाला, देखो दिख रहा है एक दिख रहा है वो, और वो है त्रिशूल पूर्व, वो त्रिशूल पूर्व है नंदा देवी हमारे जस्ट सामने है, जो सबसे ज़्यादा हाइट पे है 25K हाइट पे है वो, तो वो देखो वो भी वो दिख रहे हैं यार, अब शुरू हो गए शायद, ये बादल ही हैं वो,
पता नहीं शायद बादल हैं कि क्या है, समझ नहीं आ रहा। नहीं बादल तो नहीं है। बाकी लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो यहाँ पर टिकट विकेट कुछ नहीं थी। अब तो उसने 60 रुपीज लिया पर पर्सन टिकट, 60 लिया ना, 60 लिया। और वैसे इन्होंने मेंटेन अच्छा किया हुआ है ये। और इसमें अभी एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये देखो जो ये दिख रहा है ये अल्मोड़ा है, ये अल्मोड़ा। ये दूसरी साइड से एंगल से ना यहाँ दिखा रहा हूँ, ये है देखो जो एक्चुअल जो चौली की जाली है, ये देखो अभी हिला, ये हिला, ये देखो हिला, दिख रहा है ये स्नेक का छोटा सा बच्चा सा लग रहा है मेरे को।